अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रियल स्टेट नामा के न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं वन कनाल लग्जरियस हाउस इन वेरी प्राइम लोकेशन बैरिया टाउन। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे एक कनाल का बहुत ही खूबसूरत हाउस आपके सामने है और इसकी फ्रंट एलिवेशन देखें तो बहुत ही डिसेंट एंड खूबसूरत बनाई गई है। आइए चलते हैं इस लग्जरियस हाउस का आपको प्रॉपर टूर कराते हैं, जल्दी जल्दी आ जाएँ। और जैसे ही हम एंटर होते हैं इसके अंदर तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको ग्राउंड पे टाइल का यूज़ किया है और टॉप पे देखें तो फॉल सीलिंग का यूज़ किया गया है वार्म लाइट्स के साथ। इजीली आप इधर 3 कार्स पार्क कर सकते हैं। राइट साइड पे शॉर्ट सा गार्डन दे दिया है, इजीली आप इधर बैठ के टी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एंट्रेंस दे दी गई है। आए आपको दिखाते हैं इसका अंदर से व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसके एंटर होता हूँ अंदर तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हाइटेड डोर के साथ इसको डिज़ाइन किया है, एंट्रेंस को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। एंटर होते साथ जो व्यू आता है ये मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही खूबसूरत एंड लग्जरियस। टॉप पे देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ वार्म लाइट के यूज़ किया है, मिरर्स यूज़ किए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर दे रहे हैं। ग्राउंड पर देखें तो टाइल का यूज़ किया गया है जो कि बहुत आउट क्लास लुक दे रही है, शाइनी लुक दे रही है। और टॉप पे आप जो शैंडलियर है जो है ना वो इस घर के पैसे पूरे करता है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस शैंडलियर को इधर डिज़ाइन किया है और बहुत ही खूबसूरत इधर व्यू दे रहा है। लॉबी के अंदर देख सकते हैं स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर भी आपको विजिट कराएंगे। उससे पहले मैं आपको इसके ले कर चलता हूँ ड्राइंग रूम के अंदर जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। टॉप पर देखें तो शैंडलियर्स का यूज़ किया गया है, फ़ैन देख सकते हैं टॉप क्वालिटी का यूज़ किया गया है और टॉप पे फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में की गई है जिसके अंदर वार्म लाइट्स का यूज़ किया है जो कि बहुत ही डिसेंट एंड खूबसूरत लग रहे हैं। इसके साथ आप देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉन फायर व्यू दिया गया है कि ईजिली इसमें आप बैठ के इधर अपनी सिटिंग बनवा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत एक इन्होंने टेक्सचर दिया है, व्यू दिया है जो कि बहुत आउट क्लास लुक दे रहा है। इसके साथ देखें तो शाइनी मिरर का यूज़ किया गया है, इधर डेकोरेशन पीस भी इन्होंने रखे हैं और इधर आपको कैबिनेट्स भी दे दिए, इजीली आप इधर कोई सामान वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, इसके ग्राउंड पर भी टाइल का यूज़ किया गया। आइए चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ और उसका खूबसूरत व्यू आपको दिखाते हैं। ये प्लांट्स वगैरह भी इन्होंने इधर रख दिए लॉबी में जो कि बहुत ही जो है ना खूबसूरत लग रहे हैं। एंटर होते हैं इसके लिविंग एरिया में तो बहुत ही खूबसूरत हाइटेड डोर के साथ डोर में जो है ग्लास का यूज़ किया है जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। आइए चलते हैं इनसाइड एंड दिखाते हैं आपको कि बहुत ही खूबसूरती के साथ टॉप पे देख सकते हैं मिरर वर्क किया गया है और इसके अंदर वार्म लाइट्स का यूज़ किया गया है, स्पॉट लाइट्स का यूज़ किया गया है जो कि बहुत आउट क्लास लुक दे रहे हैं इस घर को। शैंडलियर देख सकते हैं जो कि लिविंग एरिया की शान है। इसके साथ देखिए तो मीडिया वॉल एरिया दे दिया है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरती के साथ मीडिया वॉल को डिज़ाइन किया है, इजीली आप इधर LED वगैरह मैनेज कर सकते हैं, डेकोरेशन आइटम्स इधर रख सकते हैं, कुछ पड़े हुए कुछ अपने तरीके से भी आप रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको खूबसूरत किचन के साथ के पास लेके जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड डिसेंट बनाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं येलो टेक्सचर के साथ इसको डिज़ाइन किया है जो कि अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, एकदम अट्रैक्ट करता है बंदे को कि यार कोई किचन बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ देख सकते हैं इसके अंदर ब्रांडेड जो है वो सारी एसेसरीज के यूज़ किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ माइक्रोवेव ओवन, ग्रिल ओवन, बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही खूबसूरती के साथ कैबिनेट्स यूज़ की गई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको डीप फ्रीजर दे दिया गया हायर का, इसके अंदर आपको जो है रेंज हुड दे दिया है और स्टोव वगैरह सारा इसमें इंस्टॉल करके दिया है जो कि बहुत आउट क्लास एंड अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी इसकी मैं कहता हूँ 10/10 है। इसके साथ वर्किंग किचन भी दे दी है इसके अलावा भी कि आप इजीली इस पर वर्क कर सकें, जो इस बाहर वाले किचन की खूबसूरती है वो ख़राब ना हो सके। तो इसमें भी आपको रेंज हुड साथ बर्नर और रेंज हुड दे दिया है, इसके अंदर कैबिनेट्स वगैरह दे दिए, आप इजीली इसमें कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह सारी मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ और इसके बेडरूम्स आपको विजिट कराते हैं। एंटर होते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में तो इसके साथ भी बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने एक पूरा इन्होंने जो है ना थीम बनाया है जो कि इधर से जाता है ऊपर टॉप रूफ पे भी
ये जाता है और बहुत ही खूबसूरती एक लुक की ऐसी दे रहा है, मैं इस घर की खूबसूरती को मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं अपने ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको इसकी खूबसूरती समझा सकूँ। एंटर होते हैं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत वाइड और मैं कहता हूँ आउट क्लास लुक है। टॉप पे देखें तो डिसेंट सीलिंग पर जितना हुआ है, कलर कम्बिनेशन जितना हुआ है बहुत ही खूबसूरत हुआ है, डिसेंट हुआ है, जो कि अट्रैक्टिव है बहुत। देख सकते हैं इस साइड पे भी आपको इधर मीडिया वॉल एरिया दे दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है। इधर आप LED वगैरह इजीली लगा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। बैक साइड पे आपको ये वॉल भी प्रॉपर डेकोर करके दे दी गई है। इसके अंदर ये है कि इजीली आप इधर बेडरूम वगैरह इजीली मास्टर बेडरूम आ जाता है, आप लगा सकते हैं और खूबसूरत व्यू बना सकते हैं। आइए चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ। बाथरूम के साथ इन्होंने शॉर्ट सा चेंजिंग रूम भी दे दिया है, इधर आप इजीली अपने वार्डरोब वगैरह मैनेज कर सकते हैं। ये मिरर सामने दे दिया है, इजीली आप इधर अपने क्लॉथिंग वगैरह कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके खूबसूरत से बाथरूम के अंदर। तो क्या ही बात है इस बाथरूम की, ग्राउंड बेड टाइल के यूज़ किया है खूबसूरती के साथ। चेकूजी चेक करें आप, पूल चेकूजी के यूज़ किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके साथ बोन फायर टेक्स्चर का यूज़ किया है, सीनरी का यूज़ किया है, जो कि बहुत आउट क्लास लुक दे रही है, अमेजिंग लुक दे रही है। शॉवर एरिया सेपरेट कर दिया गया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ, जो कि बहुत खूबसूरत एंड आउट लुक दे रहा है। वैनिटी वगैरह भी इसमें दे दी है, इलेक्ट्रॉनिक मिरर दिया गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके साथ देखें तो इंग्लिश सीट का ऑप्शन दे दिया गया है। इसके अंदर सेसी जितनी भी यूज़ की गई है, पोटा की यूज़ की गई है, ब्रांडेड यूज़ की गई है, जो कि बहुत ही बिल्ड क्वालिटी में कहता हूँ आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ मैं इसको। आइए चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। तो गाइस जल्दी जल्दी आ जाए, सेकंड बेडरूम भी बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वॉल को डिसेंट डेकोर किया गया है, जिसके अंदर गोल्डन टेक्सचर दिया गया है, जो कि बहुत आउटलेस लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं वॉल ड्राइविंग, देखें तो टॉप टू बॉटम दिया है, कंसील दिया है, वाइड आपको अच्छी तरह लग रहा है पूरा रूम, इसीलिए आप वार्डरोब मैनेज कर सकते हैं। इसमें भी मीडिया वॉल एरिया आपको दे दिया गया, जो कि बहुत ही आउट क्लास लुक दे रहा है। इधर इजीली आप LED खूबसूरती के साथ मैनेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके बाथरूम में, और इसके बाथरूम में दिखाते हैं क्या खूबसूरती है इसके बाथरूम में। इसके अंदर भी जैकूजी दे दी गई है, शॉर्ट सी दी है, लेकिन खूबसूरती के साथ बनाया गया है, दिल से बनाया हुआ घर है। इसके अंदर देखें तो इंग्लिश सीट का ऑप्शन है, और इसके साथ भी शॉवर एरिया जितना भी है वो सेपरेट कर दिया गया, वैनिटी वगैरह इसमें भी दे दी गई है, मिरर का यूज़ किया गया। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं इस घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, तो मेरे आंखों के अंदर जो है ना एक शान आई है कि यार वाकई के घर जो है ना दिल से बनाया है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाके इसका फर्स्ट फ्लोर का टूर कराते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसमें चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो इसके साथ ही देखें तो ये पाउडर रूम दे दिया गया है, जो कि आपके मेहमान वगैरह आता है, कोई भी आता है, तो इसीलिए ये भी यूज़ कर सकता है, जो कि इसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ मैनेज किया। आइए चलते हैं अपस्टेयर्स। इसके साथ ग्रिल के यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत वर्सेचेस स्टाइल में बनाई गई है, जो कि बहुत आउट क्लास लुक दे रही है। तो एंटर होते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत व्यू है। टॉप पे शैंडेलियर के यूज़ है, 2 फैंस का यूज़ किया गया है, उसके साथ फॉल सीलिंग देखें टॉप ऊपर रूफ टॉप के ऊपर, और आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी वार्म लाइट्स के यूज़ किया गया, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही डिसेंट है। मीडिया वॉल एरिया देख सकते हैं राइट साइड पे, इसके अंदर भी येलोइश टेक्सचर का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप नीचे किचन में आपने देखा था, क्योंकि साथ किचन भी प्रोवाइड कर दिया कि अगर आप किचन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। शॉर्ट सर रेंज हुड एंड बर्नर इसमें भी इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया गया। इसके साथ एक बेडरूम है आपको, मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी बेडरूम्स को विजिट करते हैं। दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस। टॉप पे देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फॉल सीलिंग का यूज़ किया गया है, फैंटेस्टिक सीलिंग का यूज़ किया गया है, फैन देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ही देखें तो मीडिया वॉल एरिया भी दे दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज किया है। इसके साथ बैक साइड में देख सकते हैं बेड की बैक की जो वॉल है वो भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कर दी गई है। इसके साथ अटैच बाथरूम है, आइए चलते हैं बाथरूम में। तो क्या खूबसूरत व्यू है बाथरूम का, पूरा महल है, बाथरूम नहीं है पूरा महल है। इसके देखें तो पूल टाइप इन्होंने दिया है, जैकूजी दी गई है, जो कि बहुत ही आउट क्लास लुक दे रही है। 2 स्टेप्स दिए गए, आप ऊपर आते हैं फिर इस जैकूजी में
आप शावर वगैरह इजीली ले सकते हैं। इसके अंदर शावर एरिया सेपरेट किया है एंड देन उसके बाद ये आपको कोटा की इंग्लिश सीट में मिलती है। इसके अंदर ही देखें तो इन्होंने वाटर अपार्टमेंट दे दिए जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस घर की खूबसूरती मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता। मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ कि खूबसूरती मैं दिखा दूँ। राइट साइड में व्यू देता है, टेरेस की एंट्रेंस है, ये भी इधर आप इजीली टेरेस को रीच कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके बाकी टू बेडरूम्स में और दिखाते हैं कि उनमें क्या खूबसूरती है। बेडरूम से जाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि इस घर के अंदर और क्या खूबसूरती है जो कि हर बंदा चाहता है कि यार ये हमारे घर में होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या खूबसूरती के साथ सीनरी बनाया गया है। यार इस टाइम पे बंदा शाम के टाइम बैठ के इधर टी इंजॉय कर सकता है, इजीली बैठ के इधर गपशप लगा सकता है फैमिली के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर दिया गया है। बोन फायर का भी इधर जो है ये फाउंटेन जो है इसको दे दिया गया है जो कि ऑन होगा, और क्या थीम होगा, क्या एस्थेटिक व्यू आएगा जो कि बहुत ही हर बंदा कहता है यार ड्रीम है हमारी कि इस तरह का व्यू हमारे घर में होना चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी डिज़ाइन किया। इधर इजीली आप जो भी सोफ़ाज वगैरह लगा के जो भी सिटिंग बनाते हैं इधर बना के इजीली आप इधर शाम के टाइम बैठ के टी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी बना दिया गया। आइए चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। मैं एंटर होता हूँ सेकंड इसके बेडरूम में और ये भी बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। ग्राउंड पे टाइल के यूज़ किया गया है एंड इसके साथ ही देखें तो मीडिया वॉल एरिया बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। हर रूम में इसका जो डिज़ाइन है उन्होंने चेंज किया है ताकि डिफरेंट व्यू आए। इसके साथ वॉल ड्रॉप अपार्टमेंट टॉप टू बेडरूम दे दिया गया है और इनकनसील्ड दे दिया गया। उसके साथ ही देखें तो ये बैक साइड में वॉल भी बहुत ही खूबसूरती के साथ डेकोर कर दी गई है। आइए चलते हैं बाथरूम में और आपको बाथरूम दिखाते हैं। बाथरूम भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसके अंदर भी शॉवर एरिया सेपरेट किया गया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ। पोर्टा की इसमें इंग्लिश सीट मिल जाएगी आपको। इसके साथ वैनिटी वगैरह बहुत ही खूबसूरत और इसके साथ देखें तो मिरर भी दे दिए गए जो कि बहुत ही आउटक्लास लुक दे रहा है। तो आइए चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में, उसके थर्ड बेडरूम आपको विजिट कराते हैं। इसके साथ देखें तो एक स्टोर रूम एरिया भी दे दिया है, इसलिए आप इधर वार्डरोब मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा जो थिंग्स हैं वो आप रख सकते हैं। आइए एंटर होते हैं इसके थर्ड बेडरूम में एंड मास्टर बेडरूम में जो कि खूबसूरत व्यू के साथ बनाया गया है। इसके अंदर वॉल ड्रॉप अपार्टमेंट टॉप टू बॉटम दी गई है और बहुत ही खूबसूरती के साथ मीडिया वॉल को बनाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं है कि ये देखिए कि कितना खूबसूरत व्यू होता है। सामने फाउंटेन चल रहा होगा, एस्थेटिक व्यू इधर आप सामने आपका बेडरूम होगा, आप सुबह सुबह उठेंगे देखेंगे क्या व्यू होगा, मॉर्निंग व्यू है आपके लिए। खूबसूरती के साथ इस व्यू को आपको दे दिया गया इस बेडरूम में जो कि इस बेडरूम की बहुत ज़्यादा खासियत है। आइए चलते हैं इसके बाथरूम में और आप इसके बाथरूम का विजिट कराते हैं। इसके अंदर भी बहुत खूबसूरती के साथ टाइल का यूज़ किया है, अच्छा डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है हर बाथरूम में, हर रूम में डिज़ाइन चेंज किया है ताकि आपको हर जगह जाएँ तो अलग व्यू नज़र आए। इसके साथ देखें तो पूल जैकुज़ी का यूज़ किया गया है, शॉवर एरिया इसमें भी सेपरेट किया गया है, टू स्टेप्स दे दिए गए हैं, आप इजीली इसको रीच करके इधर जाके आप शॉवर ले सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू देगा। इसके साथ देखें तो टॉप इसके भी फॉल सीलिंग, प्रॉपर फॉल सीलिंग मिलेगी आपको बाथरूम के अंदर भी। इधर आप देखें तो वैनिटी वगैरह का यूज़ किया गया, डबल वैनिटी का यूज़ किया गया, मिरर दे दिया गया जो कि बहुत ही आउटक्लास लुक दे रहा है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही खूबसूरत एंड लग्जरियस वन कनाल हाउस है और इसकी ओनर डिमांड में आपके साथ शेयर करता चलूँ 12 करोड़ 25 लाख रुपीज़ इसकी ओनर डिमांड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत घर बनाया गया है। दिए गए नंबरों पर रब्ता करें विजिट के लिए एंड डील के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।